राज्य में पर्व त्योहार आपसी भाईचारे के साथ मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। आने वाले दिनों में जहां होली के साथ शबे बारात का पर्व एक ही दिन आ रहा, वहीं रामनवमी और सरहुल का पर्व एक ही दिन है, लिहाजा पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए रांची में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। दिखाते आपको एक रिपोर्ट। वाले 18 और 19 मार्च को होली है, 19 मार्च को शबे बारात भी है। दोनों समुदाय इस पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाए, इसके लिए रांची उपायुक्त की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में प्रशासन की तरफ से जहां सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई, वही कहा गया है कि प्रशासन असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेगा। 17-18 को जो होलिका दहन और होली का पर्व त्योहार है और उसके बाद शबे बारात है, इन सभी को लेकर ध्यान में रखते हुए आज शांति समिति की बैठक बुलाई गई थी और सभी के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि सभी शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। थाने लेवल पे, अंचल स्तर पे और अनुमंडल स्तर पर भी शांति समिति की बैठक की जाएगी। तो इमरजेंसी इलाके हैं उसका भी प्रोफाइलिंग किया जा रहा है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जिले में फोर्स मजिस्ट्रेट का भी डेप्यूटेशन किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाएगी। साथ ही जो पहले भी ऐसे लोग जो असामाजिक प्रवृत्ति के रहे हैं, उपद्रवी लोग रहे हैं, उस पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। इस संदर्भ में ऑनर सेवन कार्रवाई भी की जा सकती है, की जा रही कुछ जगहों पे। समिति की बैठक में शामिल प्रबुद्ध जनों ने सभी पर्वों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात कही और आम लोगों से कोरोना के प्रति सावधान रहने की भी अपील की गई है। हम लोगों से अनुरोध करेंगे, जो धार्मिक संगठन चलाते हैं उन तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो ये जो त्यौहार हमारा आ रहा है, हम लोगों ने हमेशा इतिहास रचा है और झारखंड की राजधानी रांची में हमेशा एक अच्छा माहौल बनाया गया है, चाहे ईद हो, बकरीद हो, दिवाली हो, होली हो, सब लोगों हम लोग शांतिपूर्ण मनाए हैं। इस बार भी हम लोग शबे बारात और होली दोनों शांति और सद्भाव के साथ, शबे बारात हो, होली हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, दुर्गा पूजा हो, मुहर्रम हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर मनाते हैं। कुछ समस्याएं पिछले बार होली में आई थी, शबे बारात के दिन आई थी समस्याएं, अगजा जला दिया गया था कुछ सेंसिटिवमेंट, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सबके मिलकर सहयोग से किनारे करवाया गया। आने वाले दिनों में सभी समुदायों का पर्व है, प्रशासन ने सभी से सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की है, साथ ही सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। रांची से न्यूज 11 भारत के लिए दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।